के दो तरीके हैं। एक तरीका यह है या तो आप अपनी इनकम बढ़ा लो, आज की डेट में अगर 50,000 कमाते हो 1,00,000 कमाना शुरू कर दो, अपने आप अमीर बन जाओगे या प्रॉफिट में चले जाओगे। दूसरा तरीका यह है कि आप अपने खर्च में कटौती कर लो या बचत को बढ़ा लो। 50,000 कमाते हैं उसमें से 25,000 बचाना शुरू कर दो, धीरे धीरे करके आप अमीर हो जाओगे। तो या तो आप इनकम बढ़ा के अमीर बन सकते हैं या फिर खर्च में कटौती करके अमीर बना जा सकता है। तो अपनी इनकम को कैसे बढ़ाया जाए या किस तरीके से अपने उद्योग को प्रॉफिट में लाया जाए, तो इसके लिए सबसे पहले जो विचार व्यक्त किया वो एक विद्वान थे जर्मनी के, जिनका नाम था अल्फ्रेड वेबर। अल्फ्रेड वेबर एक ऐसे विद्वान थे जिन्होंने बताया कि अगर आप परिवहन के खर्च को कम कर ले जाए तो आप प्रॉफिट में चले जाएंगे, प्रॉफिट में हो जाएंगे, क्योंकि कहीं इंडस्ट्री लगती है और इंडस्ट्री के बाद प्रोडक्शन होता है और उस प्रोडक्शन को कहीं ना कहीं आपको पहुंचाना होता है, तो इसके बीच में परिवहन आपको देना होता है, कहीं बनता है कहीं उसकी सप्लाई होती है और इस बीच में उसको ट्रांसपोर्टेशन कास्ट देनी होती है। तो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट अगर आपकी कम हो जाए तो वो भी तो आपकी बचत है। तो इस चीज़ को उन्होंने सबसे पहले एक सिद्धांत के रूप में रखा और इनका जो सिद्धांत था वो सन 1919 में जर्मनी भाषा में इन्होंने अपना सिद्धांत दिया, जिसका नाम था उबर डेन स्टैंडोर्ड डर इंडस्ट्री। समझ में आया नहीं सर? क्योंकि ये जर्मन भाषा में था तो लोगों की समझ में नहीं आया, लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। सन 1919 में इन्होंने सिद्धांत दिया और वो सिद्धांत वैसे का वैसे रखा रह गया, किसी ने समझा नहीं। बाद में कुछ लोगों ने उसको पढ़ा और पढ़ने के बाद उसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया सन 1929 में। अभी क्या चल रहा है? 2022। 29 में इसका ट्रांसलेशन हुआ, 1929 में, और अंग्रेजी भाषा में जब यह लेख छपा तो उसका नाम रखा गया द थ्योरी ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। जब ये अंग्रेजी में आ गया तो जर्मनी जानने वाले आपके बीच में कोई नहीं, लेकिन जो लोग अंग्रेजी नहीं भी पढ़ते हैं वो भी किसी न किसी रूप में कुछ ना कुछ अंग्रेजी के विषय में जानते हैं। और जब ये 1929 में इनका सिद्धांत अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेट होके आया तो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा इसको प्रसिद्धि मिली, बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। और इनके आधार पर अगर उद्योग की स्थापना करते हैं तो जाहिर सी बात है आपका उद्योग किसी न किसी रूप में प्रॉफिट में रहेगा। और ये उद्योगों के स्थानीयकरण के सिद्धांत के रूप में विश्व का पहला सिद्धांत। क्या सिद्धांत था, किस रूप में इन्होंने कहा? इन्होंने कुछ मान्यताएं रख दी कि भाई हम जिस सिद्धांत के बारे में बात कर रहे हैं उसमें ये टर्म एंड कंडीशन पहले से लागू होती है। क्या क्या चीज़ें थी? इन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया तो उन्होंने कहा कि भाई जो हमारा उद्योग लग रहा है और उस उद्योग में जो भी कच्चा माल लग रहा है वो एक निश्चित स्थान पर ही मिलता है। और कच्चा माल का आपने इस्तेमाल किया, यस सर, सामान तैयार हो गया, अब उस सामान की जो बिक्री होनी है वो भी एक निश्चित बाजार क्षेत्र में ही हो सकती है। भाई बड़ा उद्योग लगेगा तो गांव गांव तो भेजेंगे नहीं फेरी की तरह, उसको कहीं ना कहीं एक मार्केट चाहिए, बड़ा मार्केट चाहिए, और वो मार्केट भी एक निश्चित क्षेत्र में लगा हुआ है। तीसरी चीज इन्होंने कही कि उद्योग लगाएंगे तो उसमें कहीं ना कहीं आपको श्रम की आवश्यकता पड़ेगी, लेबर, और लेबर भी आपको हर जगह नहीं मिलेगा, वो भी एक खास निश्चित क्षेत्र में ही पाया जाता है। चौथी चीज इन्होंने कही कि ब्याज, बीमा, इसका प्रभाव उद्योग की अवस्थिति पर नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में अगर रहते हैं और उद्योग आप इलाहाबाद में लगाएं और बैंक से लोन लें तो जितना ब्याज देना पड़ेगा इलाहाबाद में भी उतना देना पड़ेगा, लखनऊ में खोलेंगे तो वहाँ भी उतना देना पड़ेगा, नोएडा चले जाएंगे तो सर उतना ही देना पड़ेगा। तो भारत में आप कहीं भी रहें अगर आप लोन लेते हैं तो ब्याज आपको उतना देना है, इसलिए उद्योग की अवस्थिति पर ब्याज का प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसके अलावा इन्होंने कहा कि बीमा अगर कराते हैं, LIC है
या जिस देश में होंगे उस देश की जो बीमा कंपनी होगी, पूरे देश में एक जैसा नियम लागू होता है, इसलिए उसका प्रभाव भी उद्योग पर नहीं पड़ेगा। अब पांचवी चीज इन्होंने क्या कहा कि हम जिस उद्योग की बात कर रहे हैं या जिस क्षेत्र में वो उद्योग लगेगा, पूरे के पूरे क्षेत्र में एक जैसी संस्कृति पाई जाती है, एक जैसी अर्थव्यवस्था पाई जाती है। भारत में आप कहीं भी उद्योग लगा लीजिए, एक जैसा आपको टैक्स देना पड़ेगा, एक जैसी लगभग लगभग संस्कृति रहेगी और एक जैसी जलवायु भी रहेगी। भारत बड़ा देश है और इन्होंने सिद्धांत किसके बारे में रखा था, जर्मनी के थे, जर्मनी भाषा में। तो जर्मनी एक छोटा देश है, वहाँ पूरे देश भर में एक जैसी भाषा मिल जाएगी, जर्मन भाषा बोली जाती है, एक जैसी संस्कृति मिल जाएगी और एक जैसा कल्चर मिल जाएगा, एक जैसी तकनीकी मिल जाएगी। तो उसका भी वो पूरा जो सिस्टम होगा वो एक ही प्रशासन के अधीन होगा। नंबर छः कहा कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से राज्य और केंद्र की जो निर्णायक गतिविधियाँ होंगी उसका प्रभाव उद्योग की स्थिति पर नहीं पड़ेगा। उद्योग लगेगा या नहीं लगेगा, yes, sir. इस पर तो पड़ेगा, लेकिन कहाँ लगेगा ये उद्योगकर्ता के ऊपर निर्भर करता है। उसके बाद इन्होंने सातवें नंबर पर कहा कि परिवहन लागत दूरी के अनुपात में प्रत्यक्ष रूप से बढ़ता है, जितने किलोमीटर ले जाएंगे उतने किलोमीटर का भाड़ा आपको देना पड़ेगा। तो जितनी दूरी बढ़ेगी उतना भाड़ा आपका बढ़ जाएगा। और उन्होंने आठवीं चीज ये कही कि जो भी कारखाना है उसका संबंध केवल एक ही वस्तु के संबंधित रहेगा, मतलब एक ही कारखाने में केवल एक ही चीज का निर्माण किया जाएगा। ये आठवां चीज इन्होंने रखा। और उसके बाद नौवीं चीज इन्होंने कही कि जो उद्योग लगेगा उसमें साहसिकता और जलवायु का प्रभाव नगर रहेगा। हिम्मत है, कुछ लोग उद्योग लगाते हैं, कुछ लोग पैसा होने के बाद भी उद्योग नहीं लगाते। आप जितने भी उद्योगपतियों को देखिए, चाहे रिलायंस रहे हों चाहे टाटा रहे हों, शुरुआती दौर में देखिए तो इनके पास कोई बहुत ज़्यादा पूंजी नहीं थी, फिर भी इन्होंने बहुत बड़ा उद्योग खड़ा कर लिया कम पैसे में। तमाम लोगों के बारे में आपने सुना होगा, विद्यालय खोल रहे हैं, बहुत कम पैसा है, धीरे धीरे करके बहुत बड़ा विद्यालय खड़ा कर ले जाते हैं। और वहीं पर तमाम लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है फिर भी विद्यालय नहीं खोल पाते। क्यों नहीं खोल पाते? अंदर से डर लगा, yes, पता नहीं चले ना चले, पता नहीं सही हो कि ना हो। तो साहसिकता का प्रभाव उद्योग की स्थिति पर नहीं पड़ेगा, लगाना कि नहीं लगाना इस पर तो पड़ेगा, yes, लेकिन स्थिति पर नहीं पड़ेगा। अब इनका सिद्धांत समझिए, इन्होंने किस तरीके से अपने सिद्धांत को रखा। पहला जो इनका स्वरूप था या पहली जो चीज इन्होंने कही, परिवहन लागत का प्रभाव। तो परिवहन लागत का प्रभाव किस तरीके से पड़ता है? पहली कंडीशन इन्होंने रखी कि एक कच्चा माल का स्रोत है और एक बाजार है। अगर ऐसी स्थिति हो जाए कि एक बाजार है और एक कच्चा माल का स्रोत है, तब उद्योग कहाँ लगाना फायदेमंद रहेगा। अब इसको आप समझिए, मान लीजिए ये M एक बिंदु है, ठीक है, यह है बाजार, ठीक, और आपका जो सामान बिकेगा वो बाजार में ही बिकेगा, बाजार से बाहर आपका सामान नहीं बिकना। तो ऐसी कंडीशन में ये एम बिंदु है और इस उद्योग में जो आपको लगाना है उसमें जो कच्चा माल है वो सर्वसुलभ है, सर्वसुलभ मतलब हर जगह मिल जाता है। ऐसी कोई कंडीशन हो कि जब कच्चा माल सर्वसुलभ हो, हर जगह मिल जाता हो, उद्योग कहाँ लगाना चाहिए? कहाँ लगाना चाहिए? यहाँ लगाएंगे कि यहाँ लगाएंगे कि यहाँ लगाएंगे कि कहाँ लगाएंगे? अगर यहाँ लगाएंगे तो यहाँ भी कच्चा माल मिल जाएगा, यहाँ भी मिल जाएगा, यहाँ भी मिल जाएगा, वहाँ भी मिल जाएगा। कहाँ लगाएंगे? मार्केट में। तब आपको इंडस्ट्री मार्केट में लगानी चाहिए। क्यों? क्योंकि कच्चा माल तो हर जगह है, तो बाजार में भी मिल जाएगा और बेचना कहाँ है? बाजार में। तो मान लीजिए आपने इंडस्ट्री यहाँ लगा दी, यहाँ भी कच्चा माल मिल गया, माल तैयार हो गया, अब इसको बेचना है, तो यहाँ से लाद के फिर यहाँ तक
परिवहन करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन करेंगे तो आपको खर्चा होगा, खर्चा देना पड़ेगा, भाड़ा देना पड़ेगा, और यही पे इंडस्ट्री लगाएंगे, यही पे माल तैयार हो जाएगा तो भाड़ा नहीं देना पड़ेगा, देना पड़ेगा आप प्रॉफिट में रहो। तो पहले कंडीशन, अगर कच्चा माल सर सुलभ है तो कारखाने की स्थापना बाजार में करनी चाहिए। दूसरी कंडीशन में उन्होंने कहा कि जो कच्चा माल है वो शुद्ध है। यस सर। मतलब इतना शुद्ध है कि एक लीटर अगर आप इस्तेमाल करते हैं पानी तो एक लीटर आपको शरबत मिल जाएगा। मान लीजिए पानी यहाँ पर मिलता है तो इंडस्ट्री जो है शुद्ध कच्चा माल के स्रोत पे लगाएंगे या मार्केट में लगाएंगे। कच्चा माल के स्रोत पे लगाएंगे तब भी यहाँ से यहाँ तक परिवहन करना पड़ेगा, और यहाँ लगाएंगे तब भी यहाँ से यहाँ करना पड़ेगा, लेकिन उसमें किसी प्रकार का कोई लॉस नहीं है। जो कच्चा माल शुद्ध है जितना लगाएंगे उतना आपको तैयार माल मिलेगा, मिल जाएगा। ऐसी परिस्थिति में कहाँ इंडस्ट्री लगानी चाहिए, मार्केट में कि कच्चा माल के स्रोत पे? दूसरी कंडीशन में भी आपको इंडस्ट्री मार्केट में ही लगानी चाहिए। क्यों? यस सर। क्योंकि बिकना मार्केट में है। और मार्केट में जो ग्राहक होता है उसकी डिमांड होती है कि भाई इसको जरा थोड़ा सा ऐसा कर दो तो ठीक रहेगा। यस सर। अब आपको बेचना यहाँ है, ग्राहक ने कंप्लेन यहाँ की, यहाँ फिर आपने संदेशा यहाँ भिजवाया, यहाँ उस तरीके से माल तैयार हुआ और जब तक यहाँ तक पहुँचा ग्राहक चला गया, उसका मूड बदल गया, नहीं खरीदे तो आपको नुकसान हो सकता है। तो अगर रॉ मटेरियल आपका शुद्ध है तो ऐसी परिस्थिति में आपको अपने उद्योग की स्थापना बाजार में करनी चाहिए ताकि जैसी डिमांड आए उसकी वैसी डिमांड तुरंत की तुरंत हाथों हाथ पूरी की जा सके। ये दूसरी कंडीशन हो गई। अब तीसरी कंडीशन ये है कि कच्चा माल अशुद्ध है। अशुद्ध का मतलब ये है कि जैसे लोहा उद्योग हुआ तो लोहा बनता कैसे है, लौह अयस्क से बनता है। क्या जितना लौह अयस्क डालते हैं उतना तैयार लोहा मिल जाता है? नहीं मिलता। उसमें कचरा निकलता है, कास्ट आयरन निकलता है, उसको फेंकना पड़ता है। यस सर। इसी तरीके से आपने मान लीजिए चीनी उद्योग आपने लगा दिया, गन्ना उद्योग लगा दिया। अब गन्ने की कंडीशन क्या है? गन्ने की कंडीशन ये है कि आप जो है 10 क्विंटल गन्ना लाइए तो चीनी तैयार होगी 1 क्विंटल, तो 9 क्विंटल क्या करेंगे, उसको फेंकना पड़ेगा। यस सर। तो ऐसी कंडीशन में मान लीजिए कि जो हमारा कच्चा माल है वो यहाँ मिलता है और मार्केट यहाँ है तो उद्योग यहाँ लगाएंगे कि रॉ मटेरियल के क्षेत्र पे लगाएंगे? सर यहीं लगाएंगे। तब जो है यहाँ लगाएंगे रॉ मटेरियल क्षेत्र में, क्षेत्र में। क्यों? यस सर। क्योंकि जितना भी कचरा होगा, जितना भी वेस्टेज होगा, मान लीजिए 10 क्विंटल लगना है तो 10 में से 9 क्विंटल यही छूट जाएगा, हमको सिर्फ 1 क्विंटल का भाड़ा देने का पड़ेगा और हम अपने सामान को बड़े आसानी के साथ ले जाके पहुंचा देंगे। तब हमको 1 ट्रक का भाड़ा देना पड़ेगा, 9 ट्रक का खर्चा हमारा बच जाएगा। ये इनकी पहले कंडीशन रही, जब एक कच्चा माल का स्रोत हो और बाजार एक हो। दूसरी कंडीशन ये है कि अब उस इंडस्ट्री में एक कच्चा माल नहीं लगता, 2 कच्चा माल लग रहा है। यस सर। और अगर 2 कच्चा माल लग रहा है तब हम अपना उद्योग कहाँ लगाएंगे? पहली कंडीशन ये है कि दोनों कच्चा माल सर्वसुलभ हर जगह मिल जाता है, अब उद्योग कहाँ लगाएंगे? हर जगह है, मार्केट में भी मिल जाएगा। यस सर। दोनों कच्चा माल सर्वसुलभ होने की स्थिति में इंडस्ट्री की स्थापना मार्केट में करनी पड़ेगी या करेंगे, कोई एक्स्ट्रा परिवहन आपको नहीं देना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन, दोनों कच्चा माल शुद्ध है, उसमें वेस्टेज नहीं है। तब कहाँ लगाएंगे? मार्केट। तब भी अपने उद्योग की स्थापना मार्केट में करेंगे। सर। तीसरी कंडीशन, एक शुद्ध है एक सर्वसुलभ है, तब इंडस्ट्री कहाँ लगाएंगे? शुद्ध सुलभ में, तब भी मार्केट में ही लगाएंगे, क्योंकि एक शुद्ध है एक सर सुलभ है, एक हर जगह मिल जाता है, एक शुद्ध है। ऐसी कंडीशन में भी, तीसरी कंडीशन में भी इंडस्ट्री की स्थापना मार्केट में करेंगे। चौथी कंडीशन,
दो कच्चा माल है, एक शुद्ध है और एक अशुद्ध है। यस सर। अब इंडस्ट्री कहाँ लगाएंगे? मार्केट में एक शुद्ध वाले पे, अशुद्ध वाले पे? शुद्ध वाले पे। शुद्ध वाला तो शुद्ध पहले से, जो अशुद्ध वाला है दोनों मंगाना पड़ेगा। यस सर। बुद्धिमान आदमी क्या करेगा? सर अशुद्ध वाले में लगाएगा, अशुद्ध वाले पे लगाएगा और अशुद्ध वाले को शुद्ध करेगा और जो शुद्ध है उसको मंगा लेगा, दोनों को मिला के सामान तैयार करेगा और मार्केट बनाए देगा। कोई भी एक्स्ट्रा खर्च नहीं देना पड़ेगा। अब चौथी कंडीशन, चौथी कंडीशन में दोनों कच्चा माल अशुद्ध हो गया और दोनों कच्चा माल अगर अशुद्ध हो गया तो कहां पे लगाएंगे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिल सके, उसको समझने के लिए उन्होंने एक त्रिभुज बनाया। त्रिभुज क्या बनाया? त्रिभुज इस तरीके से बनाया, ये दूरी 100 किलोमीटर, ये दूरी भी 100 किलोमीटर। तीन बिंदु हैं, ये आपका मार्केट है, ठीक है, बाजार है, यहाँ पे सामान बिकना है और दो स्थान है, एक का नाम रखिए R1 और एक रखिए R2। ये R1 हो गया R2 और ये R2 हो गया, ठीक। अब तीनों के बीच की दूरी है 100 किलोमीटर, ठीक। अब 100 किलोमीटर में अगर आपने कारखाना लगा दिया कहाँ? मार्केट में। एम बिंदु पर अगर कारखाना लगाया तो दोगुना मंगाना पड़ेगा। यस सर। ये 100 किलोमीटर है और 100 किलोमीटर से दोगुना सामान लगेगा, कितना हो गया? 200 किलोमीटर 200 टन किलोमीटर। यस सर। ये वाला भी लगेगा और इसको मिलेगा, कितना हो गया? 3, 2, 2, 4। यस सर। 400 टन किलोमीटर। फायदा है नुकसान है? नुकसान है सर, नुकसान है। 400 किलोमीटर का भाड़ा देना। यस सर। अब बुद्धिमान लोग क्या करेंगे? R1 और R2 दो में से किसी एक जगह लगाएंगे। तो कच्चा माल के स्रोत मान लीजिए R2 पे लगा दिया, तब क्या करना पड़ेगा? R1 से R2 तक ले जाना पड़ेगा दोगुना। यस सर। कितना हो जाएगा? 100 गुना 2 = 200। और यहाँ हो गया तैयार। यस सर। यहाँ से यहाँ पहुँचाने में कितना लगेगा? 100 = 300। यहाँ पे लगाते हैं तो 400 टन किलोमीटर का भाड़ा देना है, यहाँ पे लगाते हैं 300 टन किलोमीटर का भाड़ा देना है। यस सर। और कोई जगह जिससे ज्यादा फायदा मिल सके? बीच में लगा देते हैं। तो यहाँ से यहाँ कितना हो गया? 50। और यहाँ से यहाँ हो गया 50। दोगुना लाना पड़ेगा तो 50 × मान लीजिए ये R3। तो 50 × 2 = 50 × 2 और धन यहाँ से 87 किलोमीटर और कितना हो जाएगा? 50 × 50 = 100 + 50 = 100 + 87 = 287 टन किलोमीटर, ठीक। इतना ही हुआ। फिर उसके बाद और कोई प्रॉफिट वाली जगह हो सकती है? नो सर। हो सकती है ये इसको बीच में लगा दो, ठीक है। ये हो जाएगा 57 किलोमीटर, ये हो जाएगा 57 किलोमीटर और ये हो जाएगा 57 किलोमीटर। यहाँ से दो गुना मंगाना पड़ेगा, यहाँ से दो गुना मंगाना पड़ेगा, कितना हो जाएगा? 57 × 2 = 114। 114 + 114 और प्लस 57 = हो जाएगा 285 किलोमीटर, ठीक। यस सर। तो यहाँ पे लगाते हैं तो 400, यहाँ पे लगाते हैं या यहाँ पे लगाते हैं तो 300, यहाँ पे लगाते हैं 287 और यहाँ पे लगाते हैं 285। तो प्रॉफिट किस में ज्यादा है? कम वाले में, 285 वाले में। इसलिए कारखाने की स्थापना 285 वाले में, 10 किलोमीटर का भाड़ा जहाँ से पड़ता है वहीं पर लगाना पड़ेगा, ठीक है।
ये इन्होंने परिवहन लागत के आधार पर कहा कि ऐसी ऐसी कंडीशन होती है तब कैसे कैसे आपको करना है। ठीक, ये हो गया। अब उसके बाद दूसरी टर्म कंडीशन आई कि अगर ऐसा हो जाए तो क्या किया जाए। अब कुछ जगहों पर ईंधन भी लगता है, ईंधन लगता है और वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। बिना ईंधन के कोई कारखाना चलाना संभव नहीं है, नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में ईंधन प्रधान कारखाने की स्थापना कैसे की जाए उसको भी उन्होंने समझाने का प्रयास किया। अब ईंधन कहाँ पे कितना पड़ेगा उसको देख लीजिए। तीन बिंदु है मान लीजिए और तीनों बिंदु की दूरी अलग अलग है। ये हो गया, ये 16 किलोमीटर है, ये फीवल है और ये मार्केट है और ये रॉ मटेरियल है। ये 16 किलोमीटर है, ये 10 किलोमीटर है और ये 13 किलोमीटर है। ईंधन जो है 3 गुना लगता है और कच्चा माल 2 गुना लगता है। 2 गुना लगता है, यानी अगर आपको कारखाना चलाना है तो फीवल 3 गुना लगेगा और रॉ मटेरियल 2 गुना लगेगा। अब पहली क्या है प्राथमिकता कि हम अपना उद्योग जो है सेटअप मार्केट में लगा दें। और अगर हमने अपना उद्योग मार्केट में लगा दिया तो क्या क्या मंगाना पड़ेगा, कितना कितना मंगाना पड़ेगा। ईंधन 3 गुना, 10 गुणे 3 = 30, धन रॉ मटेरियल 2 गुना, 2 गुना है सर। जब 2 गुना आपने मंगाया 13 दूनी 26, 26 हो गया और 26 और 30 मिला कितना हुआ 56 टन किलोमीटर। यस सर। ठीक, अब इसमें मजा नहीं आ रहा। दूसरी कंडीशन है कि यहाँ लगा लें कहाँ पे, रॉ मटेरियल के पास पास। अब अगर रॉ मटेरियल के पास लगा दिया तो यहाँ से ये 3 गुना ले जाना पड़ेगा, तो 16 × 3 = 48 धन यहाँ पे आके रेडी हो गया। ठीक, ये 3 गुना आया, यस रॉ मटेरियल 2 गुना लगना था यहीं पर लग गया, इंडस्ट्री कोई अतिरिक्त भाड़ा नहीं लगा, ये सीधा सीधा केवल 1 गुना भाड़े पे यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा। यस सर, ये हो जाएगा 13। अब कितना हुआ 48 में 13 जोड़िए 61, कितना हुआ 61 किलोमीटर। अभी भी कुछ फायदा हो सकता है, इंडस्ट्री अगली बार यहाँ लगाएंगे। यस सर, फीवल वाले पे, जब फीवल वाले लगाएंगे तो ये 2 गुना यहाँ से यहाँ तक ले जाना पड़ेगा, तो 16 × 2 = 32। और ईंधन कहीं लेना नहीं, यहीं पे मिल जाएगा सीधा। तैयार हो जाने के बाद 10 किलोमीटर का भाड़ा और देना पड़ेगा और आप पहुंच जाएंगे। अब कितना हुआ, सबसे ज्यादा प्रॉफिट कहाँ पे है, फ्यूल वाली जगह पे, फ्यूल वाले जगह पर, क्योंकि जब फीवल ज्यादा लग रहा था और फीवल वाले जगह पर भी आपने कारखाना लगा दिया तो परिवहन खर्च आपका बच जाएगा। तो अगर मार्केट में लगाते हैं तो नुकसान पड़ेगा, कच्चा माल वाले में लगाते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान पड़ेगा। यस सर। लेकिन अगर ईंधन वाले जगह पर लगाते हैं तो आपको सबसे कम भाड़ा पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में कारखाने की स्थापना कहाँ करनी चाहिए, फ्यूल वाले जगह, जहाँ पर आपको ईंधन मिल रहा है। ये ईंधन प्रधान कारखाने की स्थापना हो गई। अब उसके बाद आता है कि मजदूरी कुछ जगहों पर या कुछ चीजों पर मजदूरी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। यस सर। अगर मजदूरी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई तो ऐसी स्थिति में कच्चा माल का स्रोत भी आपके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं रह जाता, मार्केट भी आपके लिए उतनी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रह जाती। और इम्पोर्टेंट कौन हो जाता है, मजदूर। कुछ कारखाने होते हैं उसमें मजदूर बहुत कम लगता है, ऑटोमेटिक कारखाना है, कम मजदूरी में आपका काम चल जाएगा। लेकिन कुछ कारखाने ऐसे होते हैं जिसमें मजदूर का इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा होता है सर। और मजदूर को जब उसके मूल स्थान से हटाया जाता है तब वो मजदूरी ज्यादा मांगता है।
उदाहरण के तौर पर, ये तो जर्मनी के थे, उदाहरण हम भारतीय देते हैं। जैसे अगर किसी से पूछा जाए कि भैया हैंडमेड साड़ी चाहिए, हैंडमेड साड़ी, आज भी हाथ से कहाँ पे साड़ी बनती है? दो जगह है जहाँ हाथ से साड़ी बनती है, सिल्क से साड़ी, एक बनारस जिसको बनारसी साड़ी कहा जाता है, जिसके बिना शादी नहीं होती, बनारसी साड़ी, बनारस में आज भी हाथ से साड़ी बनती है और उसको बनाने में लगभग एक महीने का समय लगता है, लग जाता है। दूसरी जगह है कांजीवरम, वहाँ पर भी हाथ से ही साड़ी बनती है। और अगर किसी साड़ी को बनाने में अगर हाथ से बनाई जा रही है और एक महीने का समय लग रहा है, तो जाहिर सी बात है कि एक साड़ी बनाने में एक महीने का समय लगा तो जाहिर सी बात है मजदूरी की लागत बढ़ जाएगी। यस सर, बहुत ज़्यादा। अब साड़ी बन रही है बनारस में, तो साड़ी जितनी बनेगी जरूरी तो नहीं कि सबकी सब बनारस में बिक जाए, आपको मार्केट तक उसको पहचाना पड़ेगा। अब अगर बनारस में जो मजदूर रह रहा है, आज के डेट में उससे पूछा जाए भैया मजदूरी कितनी लोगे, आपको बनारस में ही रहना है, आपके बिल्कुल घर पर रहना है, वर्क एट होम करना है, घर में रह के बनाना है, आप मजदूरी कितनी लोगे? जाहिर सी बात है कि साहब 300 रुपया, 350 रुपया, चाहे 300 रुपये में कर देंगे। यस सर, ठीक है। और उसी मजदूर से कहो कि ऐसा है आपको ले चलेंगे दिल्ली और आप चलो दिल्ली और वहाँ यही काम करो, तो जो बनारस का मजदूर है उसको अगर आप दिल्ली ले जाओगे तो कितना पैसा लेगा भाई? दिल्ली में जाएगा तो रहने के लिए कमरा चाहिए। यस सर, खाने के लिए कुछ, खाना के लिए तो रहना खाना ही उसका 5-6 हज़ार रुपये हो जाएगा। यस सर, ऐसी कंडीशन में जाएगा 700-600 रुपये लेंगे। बनारस में काम करेगा तो 300 रुपये में करेगा और दिल्ली ले जाओगे उसी मजदूर को तो वो 600 रुपये मांगेगा। और एक साड़ी बनती कितने दिन में है? एक महीना। एक महीने में तो टोटल मजदूरी अगर बनारस में बनवा रहे हैं तो कितना आया? एक दिन का 300, 10 दिन का 3000 और महीने का 9000। यस सर, एक साड़ी में मजदूरी लगी 9000 और उसी मजदूर को लेके चलेगा दिल्ली। यस सर, और उसने 6000 लिया, 600 रुपये पर डे के हिसाब से लिया, महीने भर में कितना हुआ? 18000। यानी बनारस में वो 9000 में काम कर लेगा एक महीने, या एक साड़ी में 9000 की मजदूरी कर आएगी और उसी मजदूर से अगर दिल्ली ले जाके उससे बनवाओगे तो 18000 लगेगा। यस सर, कितना कास्ट बढ़ गई? दुगनी हो गई सर। एक में 9000 लग रहा है, एक में 18000 लग रहा है। यस सर, 9000 एक्स्ट्रा लग गया। अब ऐसी कंडीशन में जाहिर सी बात है कोई बिजनेस करेगा तो एक साड़ी के थोड़ी बेचेगा। यस सर, कितनी चाहिए सर? बहुत सारी, थोक में सैकड़ों की संख्या में चाहिए। यस सर, मान लीजिए अगर 500 भी एक महीने में खपत हुई 500 साड़ी की, तो 500 साड़ी में कितना डिफरेंस आया मजदूरी में? 9000 का रहा था, 500 को 9000 से गुणा कर दो कितना हुआ? 5,945, 4,50,000 कितना हुआ? कैलकुलेटर से करो, 1000 की लाख तो 45 लाख। 45 लाख तो मजदूर को ले जाना ठीक रहेगा या तो बनारस में बनाना ठीक मजदूर को ले जाना ठीक रहेगा या बनारस में बनवा के जब एक ट्रक सामान हो जाए आपके पास तो उस पर लोड करके जहां मार्केट ले जाना है उसको ले जाओ? ऐसी कंडीशन में वो जो है जहां पे मजदूर है अपने कारखाने को वहां पे आप शिफ्ट कर दीजिए। यस सर, इसी तरीके से वेबर महोदय ने एक शब्द का प्रयोग किया, आइसोडा पेंट। आइसोडा पेंट क्या है? जैसे कहा जाता है कि समान तापमान वाले स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा को समताप रेखा कहते हैं, उसी तरीके से समान मजदूरी वाले लागत या समान परिवहन व्यय वाले बिंदुओं को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा को आइसोडा पेंट कहते हैं। जैसे आप इलाहाबाद में हैं और आपको लखनऊ के लिए बस पकड़नी है, आप सिविल लाइन पहुंच गए और वहां पे आपने बस पकड़ी, किराया उसने बताया 200 सिविल लाइन में से, तब 200। आप थोड़ा सा आगे चले जाए तिलियरगंज, वहां से बस पकड़ी, लखनऊ को टिकट कराया, किराया 185.90, 200।
200 तेरी लाइसेंस का टिकट नहीं कटता। अच्छा आप चले आइए फाफा मो और कहिए वहाँ से 200 तब भी 200 क्योंकि ना तो तेलियागंज का टिकट बनता है ना फाफा मऊ बनता है। यस सर। चाहे आप सिविल लाइन से बैठिए चाहे फाफा मऊ से बैठिए चाहे तेलियागंज से बैठिए तीनों कंडीशन में आपको भाड़ा उतना ही देना पड़ेगा। ऐसे बिंदु जहाँ पर समान भाड़ा देना पड़ता है उन सभी बिंदुओं को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा को आई सोडा पेन कहते हैं सर। अब वेबर महोदय ने एक ग्राफ बनाया कि आप मजदूरी वाले बिंदु से और मार्केट से थोड़ा थोड़ा हट सकते हैं। yes, कितना हट सकते हैं उसके लिए आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। थोड़ा आई सोडा पेन क्या है इसको समझ लीजिए। इसमें आप पीछे देखिए दो बिंदु हैं, एक आपका मार्केट है और दूसरा आपका एक और बिंदु है जहाँ पर आपका मजदूर है और या मजदूर ना होकर ये है ना मटेरियल। ये आपका मार्केट है, मार्केट और ये रॉ मटेरियल का स्रोत है। यस सर। और ऐसे कंडीशन में आप मजदूर वाले क्षेत्र से कितना हट सकते हैं। यहाँ पर अगर आप कारखाने की स्थापना करते हैं यहाँ पर 10 बिंदु की दूरी पर है। यस सर। और केवल 10 बिंदु का आपको भाड़ा देना है। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आप अपने कारखाने की स्थापना यहाँ पर करते हैं कहाँ पर मार्केट में तो आपको 10x20 दो गुना भाड़ा देना पड़ेगा। और ऐसी कंडीशन में लेबर तीसरी जगह पर तो इन दोनों बिंदुओं को छोड़कर आप कितनी दूर हट सकते हैं ये महत्वपूर्ण है। बंद करो एक मिनट। जहाँ पे आपका रॉ मटेरियल है और जहाँ पे आपकी मार्केट है दोनों बिंदु अगर 10 यूनिट की दूरी पर हैं मार्केट में अगर स्थापित करते हैं तो 10x2 टोटल 20 टन इकाई का आप खर्च देना है। yes, और यहाँ पर कर सकते हैं तो 10 टन इकाई का देना है लेकिन आपका लेबर या मजदूर तीसरे स्थान पर और उसके स्थान पर कारखाना स्थापित करने पर आपकी मजदूरी में कमी आएगी। तो मान लीजिए अगर आपने अपने कारखाने को एक यूनिट यहाँ से हस्तांतरित करके यहाँ ले आए ऐसी कंडीशन में ये यहाँ से 2 इकाई देना पड़ेगा और यहाँ से फिर मार्केट पहुँचाने में 10 इकाई देना पड़ेगा। इस अगर एक लाइन छोड़कर दूसरी लाइन में चले गए तो 2x4 और यहाँ से फिर 10 इकाई देना पड़ेगा। तीसरी लाइन में चले गए 2x6 और प्लस 10 टोटल 16 इकाई का आपको खर्च देना पड़ेगा और आगे चलेगा 8 हो जाएगा और वहां से फिर 10 देना पड़ेगा टोटल 18 इकाई हो जाएगी। यस सर। तो इससे अगर आगे जाएंगे तो फिर 20 हो जाएगा। इससे अच्छा फिर मार्केट में कारखाना लगा दो। तो आप इस बिंदु से उतनी दूरी तक खसक सकते हैं या हट सकते हैं जितना आपको मजदूरी में जो भाड़ा एक्स्ट्रा पड़ रहा है मजदूरी उससे ज़्यादा सस्ती पड़ रही है तो जो भी आपका भाड़ा लगेगा वो मजदूरी में एडजस्ट हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में आप सिर्फ उन्हीं बिंदुओं तक हट सकते हैं जब उसकी भरपाई मजदूरी में होने वाली बचत से हो जाए। ये आपका आइसोडा पेन रहा। लास्ट में उन्होंने एक चीज़ और कही सामूहिकरण। अब सामूहिकरण क्या है लास्ट में उन्होंने एक चीज़ कही सामूहिकरण। सामूहिकरण क्या है आप में से सभी को या किसी को उद्योग लगाना है दुकान खोलनी है और आपके पास दो चॉइस है। एक चॉइस क्या कहती है कि एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप जो कारखाना करेंगे खोलेंगे उससे संबंधित दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। आप खोलोगे आप अकेले रहोगे। यस सर। और दूसरा स्थान वो है जहाँ पहले से वही धंधे वाले बैठे हुए हैं तो आप कहाँ खोलोगे जहाँ कोई नहीं है दुकान बंद ग्राहक लौटना शुरू। ठीक। यस सर। और एक ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारी दुकान है ग्राहक कहाँ जाएगा जहाँ इकलौती दुकान है जहाँ समूह में है जहाँ समूह में ग्राहक हमेशा समूह में जाना पसंद करता है। यस सर। क्योंकि जिसके यहाँ का अगर उसकी दुकान बंद है कोई बात नहीं बगल में ले लेंगे। यस सर। उसके बगल में ले लेंगे वहाँ ग्राहक की संख्या बहुत ज़्यादा होती है और जहाँ पर इकलौती दुकान होती है वो बहुत कम चलती है पता नहीं दुकान बंद है खुली है। ऐसे कंडीशन में ग्राहक वही जाना पसंद करेगा जहाँ समूह में। और अगर समूह में आप दुकान खोलेंगे तो उसका एक प्रॉफिट और मिलेगा
आपके पास सामान खत्म हो गया, पड़ोसी से लेके बेचना शुरू कर दो। यस सर। आपको कोई चीज मंगानी हुई तो जब तक एक तक भाड़ा नहीं हो जाएगा सामान आता नहीं ट्रांसपोर्ट। यस सर। नहीं आप हो गए, आपके पड़ोसी हो गए, उनके पड़ोसी हो गए, उनके पड़ोसी हो गए। यस सर। इकट्ठा डिलीवरी हो जाएगी। यस। जहाँ पे समूह है वहाँ पे सामूहिक लाभ मिलता है और गवर्नमेंट भी ऐसे क्षेत्रों में ध्यान देती है। तो हमेशा उद्योग की स्थापना वही करनी चाहिए जहाँ पर समूह का लाभ मिला। ठीक।